बिहार में मल्हार नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी माँ अहिल्या के साथ रहा करता था और अपनी माँ का काफी ज्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि मल्हार अपनी माँ का इकलौता बेटा था, उसके सिवाय उसका कोई नहीं था जो उसकी माँ का ख्याल रख सके। साथ ही उसकी माँ भी काफी बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से एक बार अचानक ही उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिन्हें लेकर वो वहाँ के काफी बड़े हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर मल्हार को आकर कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ हैं, जाओ इन्हें मेडिकल से ले आओ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मल्हार भी डॉक्टर की बातें सुनकर वहाँ से दवाइयाँ लेने चला जाता है। और जब वो दवाई लेकर वापस आता है, तभी वो देखता है कि सामने अनुप्रिया और कल्याणी नाम की दो नर्स काम कर रही थी और दोनों ही मरीजों का काफी अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। हॉस्पिटल वाले भी अनुप्रिया और कल्याणी को हॉस्पिटल की बेस्ट नर्स कहते थे। इसलिए जब मल्हार अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, तब वही दोनों उसकी माँ का भी ख्याल रखती हैं। और अब जाते समय जब मल्हार अनुप्रिया और कल्याणी को देखता है कि दोनों ने अपने अपने हाथों में दो प्यारे प्यारे बच्चे ले रखे थे, जिन्हें लेकर वो गेट की तरफ जा रही थी, उन्हें देखकर मल्हार काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे बच्चे बेहद ज्यादा पसंद थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाया करती थी। मगर थोड़े समय बाद ही जब वो अनुप्रिया और कल्याणी को गौर से देखता है, तब उसे पता चलता है कि उन दोनों ही नर्स में से एक नर्स चोर है और वो बच्चे को चुरा रही है, जिसके बारे में पता चलते ही मल्हार उनके बारे में हॉस्पिटल की अदर स्टाफ को बताता है। वेल दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि मल्हार को ऐसा क्यों लगता है कि उन दोनों नर्स में से एक चोर है, और वो उसे कैसे पहचानता है कि वही नर्स बच्चा चुरा रही है? अगर हाँ, तो आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, जब मल्हार उन दोनों को गौर से देखता है, तब वो देखता है कि कल्याणी के हाथ में जो बच्चा था, वो उसे काफी अच्छे से संभाल रही थी और लेकर जा रही थी। पर वही अनुप्रिया भले ही अपने हाथ में बच्चे को काफी अच्छे से संभाल रही हो, लेकिन वो नकली नर्स है, क्योंकि उसके गले में जो आई कार्ड है, उस कार्ड में मेल लिखा हुआ है, यानी कि वो किसी जेंट्स का कार्ड है जो कि उसने अपने गले में डाला हुआ है। और उस आई कार्ड को देखकर ही मल्हार को पता चलता है कि अनुप्रिया ही चोर है। तो दोस्तों, आपका जवाब क्या था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।